सो गाइस फाइनली आप जिस वीडियो को काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो वीडियो फाइनली आ गया है। जी हाँ गाइस, आर्ट कंपटीशन वाला वीडियो आ गया है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा गाइस कि किस तरीके से आप इस आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन सा रेफरेंस फोटो आपको ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है और प्राइस क्या होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट ये सारा चीज अच्छे से बताऊंगा गाइस। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रेफरेंस फोटो के बारे में। तो आपको ये वाला रेफरेंस फोटो ड्रॉ करना है जो कि सुशांत सिंह राजपूत का। तो ये काफी इजी पोर्ट्रेट है गाइस, अगर आप ध्यान से बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे अच्छे से टाइम देंगे तो इसे आप काफी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और गाइस इसे चाहे तो आप चारकोल से बना सकते हो या फिर ग्रेफाइट पेंसिल से बना सकते हो या फिर दोनों मीडियम का यूज करके आप बना सकते हो। आपको जो अच्छा लगेगा आप दोनों में से कोई भी मीडियम यूज कर सकते हो गाइस। तो गाइस तो बिल्कुल अच्छे से टाइम देना, अच्छे से डिटेल से बनाना ताकि आपको आपकी ड्रॉइंग का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा मिले। सो अब बात करते हैं गाइस सबसे मेन टॉपिक। सो ये आर्ट कंपटीशन है गाइस, तो कंपटीशन है तो प्राइस तो होगा ही, तो बिना प्राइस के तो कंपटीशन हो नहीं सकता। तो प्राइस भी मैंने सेलेक्ट किया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आर्ट मटेरियल सेलेक्ट करूं कि ये वाले आर्ट मटेरियल का फर्स्ट प्राइस रखूंगा इसका सेकंड, लेकिन सो मैंने सोचा गाइस आर्ट मटेरियल तो आप खुद भी खरीद सकते हैं और अगर मैं आर्ट मटेरियल प्राइस में रखता हूं तो वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा सेलेक्ट किया गाइस जो कि आप आगे तक संभाल के रख सकते हो और आप बिल्कुल दिखा सकते हो। सो ये मैंने इस कॉम्पिटिशन में जीता है। सो गाइस मैंने प्राइज में मेडल रखा है, गोल्ड मेडल रखा है और सिल्वर मेडल रखा है। तो जो फर्स्ट आएगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा और जो सेकंड आएगा उसे सिल्वर मेडल मिलेगा। तो ये रहा गाइस काफी यूनिक प्राइज है, अगर आप जीतते हैं तो काफी अच्छे से आप इसे सजा के रख सकते हो या फिर किसी को दिखा सकते हो कि मैंने इसे आर्ट कंपटीशन में जीता है। सो अब बात करते हैं गाइस कैटेगरी के बारे में। तो ये कंपटीशन दो कैटेगरी में होगा, सीनियर एंड जूनियर। जो जूनियर कैटेगरी होगा वो 14 साल के नीचे जितने भी होंगे उनका वर्क रहेगा, ठीक है, और 15 साल के ऊपर तक के जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सीनियर कैटेगरी में आएगा। तो दोनों कैटेगरी में फर्स्ट एंड सेकंड प्राइस दोनों है, दोनों में गोल्ड एंड सिल्वर मेडल है। तो जरूर से पार्टिसिपेट करना गाइस, काफी ज्यादा मजा आएगा इस कंपटीशन में। अब बात करते हैं गाइस सबमिशन के बारे में कि आपको सबमिट कैसे करना है अपना आर्ट वर्क। तो जो भी आप आर्ट वर्क जैसा भी बनाओ आपको अपने आर्ट वर्क के नीचे अपना नेम लिखना है और एज लिखना है ताकि मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पता कर पाऊं कि कौन सा सीनियर कैटेगरी का है और कौन सा जूनियर कैटेगरी का। सो आपको आर्ट वर्क बनाना है, अपना नेम मेंशन करना है, एज मेंशन करना है और आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देना। सो ईमेल आईडी ये रहा गाइस जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, itsartadda@academy। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा तो वहां से भी जाके आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं। सो गाइस इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए मैंने पूरा 15 दिन का टाइम दिया है, आपको 1 तारीख से पूरे 15 तारीख तक का टाइम मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से बना सकते हो इसे। और अगर मुझे लगेगा कि और टाइम बढ़ाना चाहिए तो मैं इसका टाइम जरूर और बढ़ाऊंगा। सो आई होप गाइस इस कंपटीशन का सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप गाइस आपको ये कंपटीशन में जरूर मजा आएगा, जरूर आप पार्टिसिपेट करेंगे और हो पाए तो गाइस आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी पार्टिसिपेट कर पाए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना क्योंकि मैं आर्ट कंपटीशन से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पोस्ट पर डालते रहूंगा। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, itsartadda@academy से मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।